Hey guys, welcome to the Ultimate Channel. मेरा नाम है आदित्य. So guys, हमारे आज के इस एपिसोड में मैं डॉग मार्केट इंडस्ट्री के एक काले सच के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जिसके बारे में बहुत से लोग जानते हुए भी नहीं समझ पाते, और जो समझते हैं तब तक काफी देर हो जाती है. तो इस बारे में जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक ऑफर देना चाहूंगा, जो आपको सुनना है ढंग से और आपको अपना ऑप्शन चूज करके नीचे कमेंट में बताना है. सो मैं आपको एक लैब्राडोर दे रहा हूँ जिसकी प्राइस 6,000 है. कलर कोई सा भी हो आपकी पसंद का, जैसे कि ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया या फिर क्रीम येलो हो गया, आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं. 6,000 में आपको मेल या फिर फीमेल लैब्राडोर मिल रहा है, और वो हैवी बोन भी दिख रहा है, लेकिन वो बच्चा काफ़ी छोटा है, 1 से 1.5 महीने के आसपास का. मैं आपको इस पपी के साथ कोई पेपर वर्क भी नहीं देना चाहता, और इसके वैक्सीनेशंस भी नहीं लगे हुए. तो क्या आप डॉग को लेना चाहेंगे? और मैं कोई जाना पहचाना ब्रीडर नहीं हूँ, कोई पॉपुलर ब्रीडर नहीं हूँ, मैं बस ऐसी छोटा मोटा ब्रीडर हूँ जो पपी सेल करना चाहता है. तो क्या आप ये पपी लेना 6,000 में पसंद करेंगे या फिर नहीं करेंगे? अगर आपको डॉग के बारे में ज़रा सा भी पता हो तो आप जानते होंगे कि लैब्राडोर कितनी ज़्यादा पॉपुलर डॉग ब्रीड है, पूरे इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में. और अगर आपको 6,000 में एक लैब्राडोर देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत से लोग बोलेंगे कि हाँ, मुझे ये लैब्राडोर चाहिए. अब आप अपने घर आ जाते हैं उस पपी को लेके, वो जो सेलर था जो वो पपी दे रहा था उसको 6,000 रुपये भी आपने दे दिए, और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं लिया, ना ही उसका कोई नंबर लिया. आप बस ऐसे ही पेट मार्केट में गए, वहाँ पे जाके देखने को मिला, तो आप उठा के घर में ले आए पैसे देके 6,000 रुपये में सिर्फ. लेकिन जब वो डॉग अराउंड 4 मंथ के आसपास का होता है, तब आपको उसके चेस्ट में या फिर उसकी टेल में या फिर उसकी बॉडी में कहीं पर भी कुछ ऐसे वाइट या फिर कुछ डार्क टाइप के मार्क्स देखने को मिलते हैं. उसकी टेल लैब्राडोर जैसी नहीं होती, उसके ईयर्स धीरे धीरे खड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, उसका जो नोज़ है वो सामने की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाता है. तो क्या आप कहेंगे कि वो असली लैब्राडोर है? क्या वो प्योर ब्रीड लैब्राडोर है? नहीं, बिल्कुल नहीं. अभी मेरी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक सब्सक्राइबर से ही बात हो रही थी, जिन्होंने मुझे अपने एक रॉटवाइलर के बारे में बताया कि किस तरीके से उन्होंने एक सेलर से बात की, जो कि उनको एक वेबसाइट पे मिली थी. उस वेबसाइट का नाम मैं यहाँ नहीं लूँगा. फिर उसके बाद हमारे जो सब्सक्राइबर थे, उन्होंने सेलर से बात की, वो जो मैम थी उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि मैंने ये डॉग 17,000 का लिया था, मुझे इसके साथ पेपर वर्क्स नहीं मिले, मैं ये डॉग इसी वजह से 9,000 में देने को तैयार हूँ, ये वो बहुत सी बातें बना के बोली. फिर उसके बाद जो हमारे सब्सक्राइबर थे वो रॉटवाइलर का पपी लेने के लिए रेडी हो गए. अब वो रॉटवाइलर असली था या नकली था, उसके बारे में जो हमारे सब्सक्राइबर है उनको उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि वो उतने ज़्यादा डॉग ब्रीड में क्या कहते हैं एक्सपर्ट नहीं है, जिस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई. अब बाद में जब वो पपी अराउंड 5 महीने के आसपास का होने लगा, तो उसमें बहुत सी ऐसी बॉडी में कैरेक्टरिस्टिक दिखने लगे जो रॉटवाइलर से एकदम भी मिलते जुलते नहीं है. जैसे कि उसकी बॉडी जो है वो एकदम पतली है किसी स्ट्रीट डॉग की तरह, उसके बोन थोड़े से कह सकते हैं हैवी बोन साइड में है, लेकिन उतने हैवी बोन भी नहीं है जैसे कि एक नॉर्मल रॉटवाइलर के होते हैं. उसका जो मजल है यानी कि जो नाक होती है वो भी बाहर की तरफ निकलती जा रही है, और जो कान है वो ट्रायंगल शेप में थोड़े बाहर की तरफ निकले हुए हैं, जो कि रॉटवाइलर के नहीं होते. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रॉटवाइलर के नहीं होते, लेकिन उस डॉग में शो कर रहे थे. और वो जो हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने 9,000 रुपये दे के विदाउट पेपर वर्क विदाउट एनी डिटेल्स उस पपी को लेने का सोचा. अब यहाँ तक आते आते स्टोरी सुनते सुनते आप ये समझ ही गए होंगे कि जो हमारे सब्सक्राइबर थे उन्होंने 9,000 रुपये एक रॉटवाइलर के लिए वेस्ट किए, जो कि प्योर ब्रीड रॉटवाइलर नहीं थी. चूँकि वो एक डॉग लवर है, तो इसलिए उन्होंने वो जो डॉग था मिक्स ब्रीड उसको घर पे रखने का ही सोचा. अभी वो उनके साथ घर पे ही है. लेकिन मैं यहाँ पे स्टोरी के थ्रू यही बताना चाहूँगा सारे लोगों से कि ऐसे बहुत से डॉग ब्रीडर है जो इस टाइप की गंदी हरकतें करते हैं कि कोई भी किसी भी डॉग को एक मिक्स ब्रीड डॉग बना लिया. फॉर एग्जांपल, एक लैब्राडोर को किसी स्ट्रेट डॉग के साथ ब्रीड करवा लिया, फिर उसके बाद जो बच्चे निकले वो भी एकदम लैब्राडोर की तरह जैसे ही दिखने में है बचपन में, तो उनको लैब्राडोर प्योर ब्रीड बोल के सेल कर दिया. फिर उसके बाद जो पैसे आए वो तो उनका प्रॉफिट ही है, उसमें उनका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो दोबारा लैब्राडोर को ब्रीड करवाएंगे, दोबारा बच्चे होंगे, फिर उसके बाद दोबारा उनको पैसे मिल जाएंगे, वो 6,000-7,000 रुपये में ही सेल कर देंगे. और ये कोई ऐसा पहला केस नहीं है जिसके बारे में मैं सुन रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है
कि जो लोग इन पपीज़ को लेके जाते हैं वो कैसे होते हैं। लगभग 2-3 साल पहले की बात है जब रोमियो जो है हमारा जो स्ट्रीट डॉग है 3 पैरों वाला, शायद से आप जानते हो शायद से ना जानते हो, तो रोमियो का जब भाई बहन थे तो वो काफ़ी छोटे थे, तो उनमें से एक पपी था जो एकदम लैब्राडोर की तरह दिखता था। तो कुछ बंदे आए थे रातों रात उस पपी को उठा के लेके चले गए थे। वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए ये हमें नहीं पता। फिर जब वो बंदे दोबारा आए तब हमने उनको पकड़ा, तो वो कहते हैं कि वो पपी तो हमसे कोई लेके चला गया, हमारे पास नहीं है, वो तो लड़की थी इस वजह से हम लड़का लेने आए हैं। तब हमने उनको वहाँ से भगाया कि ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा, ये हमारे पास के पपीज़ हैं, यहीं पे रहेंगे। तो ऐसे ही ये लोग होते हैं जो हमेशा पपीज़ की तलाश में रहते हैं कि कहाँ पे स्ट्रीट डॉग ने कोई पपीज़ दिए हैं, और अगर वो किसी पॉपुलर डॉग ब्रीड की तरह दिखने में है, फॉर एग्जांपल किसी रॉटवाइलर की तरह या फिर किसी लैब्राडोर की तरह, तो उन पपीज़ को उठा के ले जाया जाए और केज में बंद करके उनको एक क्यूट सा नेक कॉलर पहना के फिर उसके बाद वो एकदम प्योर ब्रीड तरह लगने लगेगा। फिर उसको 6-7 हज़ार रुपये में सेल कर दो और फिर उसमें उनको मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगी, कुछ ब्रीडिंग का भी कुछ प्रोसेस नहीं है, कुछ पेपर वर्क्स भी नहीं है, कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी नहीं है, बस एक हाथ से लो और एक हाथ से दो, यही चीज़ें होती है। तो पहले मैंने जो स्टोरी बताई उससे भी आप थोड़ा सीखिए और समझिए कि किस तरीके से डॉग मार्केट में भी लोगों को किस तरीके से चीट किया जाता है। एक नकली पपी दे के एक प्योर ब्रीड पपी कहा जाता है, फिर उसके बाद जो पैसे आते हैं वो लेके चले जाते हैं। अगर आपको कहीं से भी पपीज लेने हैं तो मेक श्योर कि आप जहाँ से पपी ले रहे हैं वो एक ब्रीडर हो, चाहे वो पेट शॉप में ही क्यों ना हो, वो एक ब्रीडर होना चाहिए जिसके पास वो जो पपी आप ले रहे हैं उसका एक लिटर भी होना चाहिए, जिसमें से आप चूज़ कर सकें कि आपको कौन सा पपी अच्छा लगता है। आप अगर किसी पेट शॉप में जाते हैं तो शायद से उनके किसी गोडाउन में या फिर उनके घर के पास कुछ ऐसा घर सा बना हुआ होगा जहाँ पे वो पपीज़ रखते होंगे पूरे लिटर को, तो आप सोच समझ के लीजिए और हो सके तो ज़्यादातर पेपर वर्क्स के डिमांड करिए कि मुझे पेपर वर्क चाहिए, मैं ऐसे ऐसे डॉग ब्रीड ले रहा हूँ, ये प्योर है, ये इतने पैसे दिए, एक बिलिंग टाइप आप कह सकते हैं। लेकिन KCI रजिस्ट्रेशन जिनको चाहिए होता है तो KCI रजिस्ट्रेशन के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा पपी के लिए, क्योंकि उसमें चिप भी डाली जाती है, माइक्रो चिप, ताकि वो किसी अगर शो वगैरह में जाता है तो उसके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सबको एक साथ रखा जा सके। फिर उसके बाद KCI रजिस्ट्रेशन के लिए आपको थोड़े एक्स्ट्रा चार्ज भी देने पड़ेंगे, उसके लिए पेपर वर्क आपको एकदम सर्टिफाइड होके आएगा और जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो अराउंड 2000 से लेके 3000 रुपीज़ के आसपास हो सकते हैं। बाकी जैसे कि बताया कि अगर आप कोई भी डॉग ब्रीड लेने जा रहे हैं किसी ब्रीडर के पास, तो हर डॉग ब्रीड की एक एवरेज प्राइस होती है, पर जैसे कि फॉर एग्जांपल लैब्राडोर की बताई 9-12,000 के आसपास, वैसे ही जर्मन शेपर्ड अराउंड 11-15,000 के आसपास हो सकते हैं। तो जर्मन शेपर्ड लैब्राडोर काफ़ी पॉपुलर डॉग ब्रीड है, ज़्यादातर लोग इनको ही लेना पसंद करते हैं। तो अगर आप एवरेज प्राइस जानते हो डॉग का तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाता है पता करने में कि डॉग किस प्राइस रेंज में सेल किया जा रहा है। कभी कभार सीज़न के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर सीज़न कुछ ऐसा है बहुत गर्मी पड़ रही है तो लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी डॉग्स हमारे सेल हो ताकि वो बीमार ना पड़े। और कभी भी यानी कि कभी भी किसी रास्ते में चलते हुए किसी ब्रीडर से या फिर जो केज में लेके पपी चल रहा है उनसे पपी मत लीजिए। हो सकता है कि शायद वो प्योर हो सकता है शायद वो ना हो, लेकिन अगर आपके पास एकदम पूरी इन्फॉर्मेशन है कि डॉग कैसा दिखता है बचपन में, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसी उसकी पोजीशन होती है जब वो खड़ा होता है या फिर कैसा उसका मज़ल होता है, तो आप श्योरली रिस्क ले सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप अगर पूरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो आप देख समझ के लीजिए फिर भी, और कभी भी सस्ते प्राइस के ऊपर मत जाइए, क्योंकि बहुत से लोग ये गलतियाँ कर देते हैं कि वो सस्ते प्राइस के ऊपर चले जाते हैं कि हाँ मुझे 9000 में एक रॉटवेलर मिल रहा है, हाँ मुझे 6000 में एक लैब्राडोर रिट्रीवर मिल रहा है, तो मैं क्यों ना लूँ इसे, एकदम लैब्राडोर की तरह दिख रहा है, एकदम रॉटवेलर की तरह दिख रहा है। लेकिन अभी उस टाइम बचपन के टाइम में पता नहीं चलता, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तब उनकी बॉडी पे कुछ ऐसी चीज़ें शो होनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि रॉटवेलर के साथ बताया कि उसकी टेल एकदम कर्ल होने लग गई थी और उसके बोन्स जो है वो उतने ज़्यादा हैवी नहीं थे, बॉडी भी पतली होने लग गई थी। तो कुछ ऐसी बॉडी में चीज़ें शो होनी स्टार्ट हो जाती है जो उस ब्रीड की खासियत नहीं होती, जिस वजह से आपको बाद में जाके पता चलता है कि आप ठग चुके हैं, आपको चीट किया गया है। तो पहले से ही सेफ रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो गाइस यही था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, किस तरीके से आप इस स्कैम से बच सकते हैं उसके बारे में भी पता चला होगा। तो अगर आप डॉग लेने वाले हैं, अभी तो नहीं खैर क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के बाद भी शायद कुछ टाइम तक लोग पपीज ना ले, लेकिन जब भी आप कोई पपीज ले तो मेक श्योर कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो यार इस वीडियो को। इस वीडियो में हम टारगेट रख रहे हैं 10,000 लाइक्स का, उम्मीद है आप पूरा कर देंगे। और नीचे कमेंट करके बताएं आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, आपके जो भी क्वेश्चंस है, हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे उनका आंसर करने का। और डॉग से रिलेटेड ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।